You are welcomed in Raligal Live video classes. In the series of mains question discussion, today we are going to discuss mains questions of chapter 13, that is on jurisdiction for the inquiry and trials. Raligal Live की video कक्षाओं में आपका स्वागत है और आज हम chapter 13 के mains questions पर चर्चा कर रहे हैं. The very first question is A commits the murder of B at Bengaluru. B is the resident of Chennai. A is arrested at Madurai. At what place trial may take place? बात क्या है कि A ने मर्डर किया है B का बेंगलोर में. B रेजिडेंट है चेन्नई का. A को अरेस्ट किया जाता है मदुरई में. Now you are to tell that where shall be the place for the trial. बहुत सिंपल सी बात है कि ए ने बी का मर्डर बेंगलोर किया है तो बेंगलुरु शैल बी द प्लेस ऑफ ट्रायल. बी कहाँ का रेजिडेंट है और ए को कहाँ से अरेस्ट किया जाता है. वी आर नॉट टू सी दिस थिंग. हमें इस बात को नहीं देखना है. हमें क्या देखना है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल कहाँ होगा जहाँ कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है. और ऑफेंस कमिट हुआ है बेंगलुरु तो इन दिस केस द ट्रायल प्लेस शैल बी बेंगलोर. सेकेंड क्वेश्चन इज ए रेजिडेंट ऑफ लखनऊ स्टेप्स बी एट जयपुर. ए जो लखनऊ का रहने वाला है चाकू मारता है बी को कहाँ जयपुर में. बी इज टेकन टू दिल्ली फॉर बेटर ट्रीटमेंट. अच्छे उपचार के लिए बी को दिल्ली लाया जाता है. बी डाइज एट दिल्ली और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इलाज के दौरान. डिटरमाइन द ज्यूरिडिक्शन. ज्यूरिडिक्शन कहाँ होगा. इन दिस केस द टू प्लेसेस माइट बी द ट्रायल प्लेस. इस केस में दो जगह हो सकती हैं जहाँ ट्रायल चल सकता है. कौन सा. एक तो जयपुर ऑर्डिनरी जहाँ ऑफेंस हुआ है क्योंकि ए ने बी को स्टेप कहाँ किया है जयपुर में. सेकंड इज दिल्ली क्योंकि कंसिक्वेंस जो ऑफेंस जयपुर में हुआ है जो एक्ट उसका कंसिक्वेंस कहाँ आया है दिल्ली में. तो एक्ट एंड कंसिक्वेंस दोनों प्लेस ट्रायल के लिए हो सकते हैं. तो इन दिस केस बोथ जयपुर एंड दिल्ली शैल बी द ट्रायल प्लेसेस. दोनों ही स्थानों पर ज्यूरिडिक्शन होगा. थर्ड इज ए रेजिडेंट ऑफ लखनऊ स्टेप्स बी एट जयपुर. देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वही रेगुलर है कंटिन्यू है. एक छोटी सी बात और जोड़ दी गई है. व्हाट इज दैट थिंग. ए रेजिडेंट ऑफ लखनऊ स्टेप्स बी एट जयपुर. चाकू मारता है ए बी को जयपुर में. आफ्टर बी इज टेकन टू दिल्ली फॉर बेटर ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली लाया जाता है. बी डाइड एट दिल्ली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बी की डेथ होती है दिल्ली में. सब्सिक्वेंटली ए इज फाउंड एट हैदराबाद. ए को हैदराबाद से गिरफ्तार किया जाता है वहाँ से उसे प्राप्त किया जाता है. एंड अरेस्टेड देयर और गिरफ्तार किया. डिटरमाइन ज्यूरिसडिक्शन. इन दिस केस एक अलग चीज़ ये थी कि बाद में अरेस्ट प्लेस और बता दिया है हैदराबाद. तो यहाँ अरेस्ट जहाँ से जिस व्यक्ति को किया है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक्ट जो हुआ है दैट इज ओनली स्टैबिंग. और स्टैबिंग का जो ऑफेंस है उस केस में वहाँ ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा जहाँ किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है. तो इन दिस केस एज वेल द टू प्लेसेस शैल बी द ज्यूरिडिक्शन प्लेसेस दैट इज जयपुर एंड दिल्ली. अगर आप चैप्टर 13 को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ बहुत से ऑफेंसेस इस तरह के हैं जहाँ अगर उस तरह का कोई ऑफेंस अक्यूज करता है तो उस प्लेस पर भी ज्यूरिडिक्शन हो सकता है जहाँ से उसे अरेस्ट किया जाता है. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एट व्हाट प्लेस ऑफेंस ऑफ एन अक्यूज्ड वुड बी ट्राइड. किस स्थान पर ऑफेंस का ट्रायल होगा. हु आफ्टर कमिटिंग डकैती विद मर्डर. दिस इज द ऑफेंस ऑफ स्पेशल काइंड डकैती विद मर्डर. एट कलकत्ता. कलकत्ता में डकैती विद मर्डर होता है. एब्सकॉन्ड ए फ्यू डेज
लेटर इज अरेस्टेड एट दिल्ली। इस केस में कलकत्ता और दिल्ली दोनों ही जगह का जुरिस्डिक्शन होगा। अब आप कह सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में हमने कहा था कि जहां से उसे अरेस्ट किया गया है उस प्लेस पर जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, लेकिन फोर्थ में हम कह रहे हैं कि कलकत्ता में ऑफेंस होता है और दिल्ली जहां से उसे अरेस्ट किया जाता है वहां भी जुरिस्डिक्शन होगा। इसका मीनिंग ये है क्योंकि वी आर टू सी द नेचर ऑफ ऑफेंस। हमें अगर ऑफेंस की नेचर देखें तो दैट इज डकैती विद मर्डर, और जहां डकैती विद मर्डर है वहां स्पेशली चैप्टर 13 में लिखा है कि उन जगहों पर भी जुरिस्डिक्शन होगा, ट्रायल प्लेस होगा, हो सकता है जहां से अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है। देन इन दिस केस कलकत्ता एंड दिल्ली शैल बी बोथ द बोथ माइट बी द ट्रायल प्लेसेस। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चंस। Enjoy this lecture. Thank you.